हेलो गाइस, मेरा नाम है नईम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल मोबाइल हॉस्पिटल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको MIY2 की MMC चेंज करने का परफेक्ट मेथड बताने वाले हैं, जिससे आपको MMC चेंज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप आपकी MMC चेंज कर सकते हैं। और UFI से हम RPM भी क्लीन करना भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत से भाइयों को, टेक्नीशियन भाइयों को MMC चेंज करने में Y2 की बहुत प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीका बताने वाले हैं MMC चेंज करने का। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने MMC जो हम चेंज करने वाले हैं Y2 में, उसको हमने रिमूव कर लिया है और अब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आइडेंटिफाई, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई हो चुकी है और ये 16 GB MMC है। और फ्रेंड्स, इसका हम सबसे पहले RPM भी क्लीन करेंगे। सो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्ट्री रेज करना होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम फैक्ट्री रेज इसको कर रहे हैं और हमने इसको फैक्ट्री रेज कर दिया है। इसके बाद हम इसका RPM भी क्लीन करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका FW बैकअप लेना होगा। सो फ्रेंड्स, हम FW बैकअप ले लेते हैं। और सो अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं FW बैकअप पर, और इसका FW बैकअप जो है वो हमारा रीड हो जाएगा उसका बैकअप। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसका FW बैकअप जो है रीड हो रहा है। और इसके बाद हमें इसको राइट करना होगा FW बैकअप को, तो इसे हम रीड हो जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा FW बैकअप जो है रीड हो चुका है और जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको राइट करना है तो हमें शिफ्ट बटन दबाकर राइट FW बैकअप पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारा बैकअप जो है जहां पर सेव हुआ था स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, वहां से हमें उसको चूज़ करना होगा। और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको शिफ्ट बटन दबा कर प्रेस करना है और आपका जो है फोल्डर खुल जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमने यूज़र में बैकअप इसका रखा हुआ है, सो फ्रेंड इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो बैकअप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाता है, आपको शिफ्ट बटन दबाकर ही इसको सेलेक्ट करना होता है। और अब ये राइट हो रहा है बैकअप, तो हम इसे राइट हो जाने देते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा और ये थोड़े 1 या 2 मिनट में राइट हो जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो बैकअप है वो राइट हो चुका है, RPM भी हमारा क्लीन हो चुका है। एक बार हम इसको आइडेंटिफाई कर देखेंगे और उसके बाद हम इसको हैंडसेट में लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसमें इंग्लिश फाइल राइट करेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारा RPM भी क्लीन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे फ़ोन को जो है EDL मोड में कनेक्ट कर दिया है और ये डायरेक्ट जो है पोर्ट लेता है, क्योंकि इसके अंदर MMC जो होती है नल होती है, पूरी खाली होती है, इसलिए क्या है वो डायरेक्ट पोर्ट लेता है। अभी हम इसके अंदर इंग्लिश फाइल को राइट करेंगे और इंग्लिश फाइल राइट करने के बाद हमारा फ़ोन जो है पावर ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश फाइल पर ऑन होगा। सो अब हम जो है इंग्लिश फाइल को जो फोल्डर में हमने रखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप है हमारी इंग्लिश फाइल को राइट करना। उस पर हम फोल्डर पे पर्टिकुलर फोल्डर जो है उस पर चलते हैं और इंग्लिश फाइल को राइट कर देते हैं। सो हमने इंग्लिश फाइल रखी हुई है हमारी, जो फोल्डर है Y2 का, जो फोल्डर हमने एक बनाया हुआ है वो हमारे डाउनलोड्स में है, जो हमने जहाँ से हमने फाइल डाउनलोड की थी। सो आप देख सकते हैं स्टेप 1, और स्टेप 1 वाली फ़ाइल को हमें राइट करना है। आप भी इसे देखकर ऐसे ही राइट करिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, अब हम प्लेस पर क्लिक कर देंगे। हमारा फ़ोन EDL में पहले से ही कनेक्ट है। और फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
सो फ्रेंड जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी इंग्लिश फाइल राइट हो चुकी है। अब हमें फ़ोन की ओर चलना होगा और देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ है या नहीं और इंग्लिश फाइल पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड चलते हैं हमारे फ़ोन की ओर। सो फ्रेंड जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने इंग्लिश फाइल को फ्लैश कर दिया है और इंग्लिश फाइल फ्लैश करने के बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। हमने इसे बैटरी लगा दी है फ्रेंड्स और अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स का बैटरी डिस्चार्ज है जिसकी वजह से हम इसको चार्जिंग पर लगाएंगे और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि MI लोगो आ चुका है, फ़ोन हमारा जो है पावर ऑन हो रहा है। सो फ्रेंड्स हम फ़ोन को बूट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है, पावर ऑन हो चुका है। सो फ्रेंड मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाना भूल गया था जो कि है इसके मैं IMEI आपको चेक करवा देता हूं कि इसके अंदर जो IMEI अभी आप देख रहे हैं इसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें IMEI 0 आ रहा है। सो फ्रेंड इसको सही करने के लिए आपको इसके अंदर QCN फाइल को राइट करना है। तो हम QCN फाइल को राइट करते हैं और चलते हैं हमारे PC की ओर, दिखाते हैं आपको कि QCN इसके अंदर कैसे राइट की जाती है और इसका मेथड भी बताएंगे कि इसमें सिंगल IMEI का जो प्रॉब्लम आता है उसे कैसे दूर करें, क्योंकि Y2 के अंदर अगर आप QCN के साथ IMEI को राइट करते हैं तो आपका सिंगल IMEI ही आता है, सेकंड IMEI नहीं आता है। सो फ्रेंड चलते हैं हमारे लैपटॉप की ओर, बताते हैं आपको। सो फ्रेंड जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट ये डायरेक्ट ले लेगा क्योंकि अभी हम इंग्लिश फाइल पर हैं, हमारे फ़ोन में इंग्लिश फाइल डली हुई है जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक पोर्ट लेगा। अब हमें इसकी रिस्टोर QCN करना है जो हमारी स्टेप 2 है और चलते हैं हमारे फोल्डर में जहाँ पर हमने इसकी फ़ाइल को रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स ये हमारी स्टेप 2 है और ये स्टेप 2 वाली फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम इसको फ्लैश कर देते हैं QCN को, उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है आपकी QCN राइट होने लगेगी और ये IMEI मांगेगी, बट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर IMEI राइट नहीं करने हैं, इसको 0-0 जैसा है वैसा ही रहने देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर राइट कर दिया तो आपका सिंगल IMEI ही आएगा, फर्स्ट IMEI आपका नहीं आएगा, आपका सिर्फ सेकंड IMEI पे ही आपका मोबाइल वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स ये गलती आप ना करें, आपको इसके ओके कर देना है बिना किसी चीज़ को छेड़े या बिना किसी चीज़ को आपको फेर बदल की आपको इसको ओके कर देना है और आपकी जो है QCN राइट होने लगेगी। और हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो फ्रेंड आपको परेशानी ना हो इसलिए हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि QCN राइट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब चलते हैं हमारे फ़ोन की ओर, हमारा फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो चुका है और ये रिस्टार्ट ऑटोमेटिक ही होगा तो आप तो टेंशन ना लें। सो फ्रेंड चलते हैं हमारे फ़ोन की ओर, बन गई थी ना वहाँ तक। सो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर जो है आगे की प्रोसेस करेंगे और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा क्योंकि एक एक स्टेप बहुत कीमती है। सो गाइस अब हमें इसमें IMEI को राइट करना होगा, इसलिए आपको सबसे पहले ओनली डायरेक्ट पर क्लिक करना है और रिपेयर IMEI पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स हम इसमें रिपेयर IMEI पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसमें और जो इसका ओरिजिनल IMEI है जो डब्बे पे या बिल पर लिखा हो वही राइट करना है। अगर आप IMEI चेंज करते हैं तो ये इल्लीगल है और ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसमें 2 साल की सज़ा है और आपको बहुत भारी जुर्माना भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स ऐसा ना करें और इसमें ओरिजिनल IMEI ही राइट करें। सो फ्रेंड्स हम इसको ओके कर देते हैं क्योंकि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सो गाइस अब ये हमसे IMEI का डायग्नोस्टिक पोर्ट मांगेगा, सो हमें इसे ओके कर देना है और हमारी डायग्नोस्टिक पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब हमें इसमें अपना IMEI राइट करना है जो कि हमारा ओरिजिनल IMEI होगा। मैंने इसका एक टेक्स्ट बना रखा था जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इस टेक्स्ट को खोल के इसमें इनपुट कर दूँगा अपने IMEI। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, सो हम इसको राइट कर देते हैं। सो गाइस हम ये IMEI इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, जैसे कि हमने 2 ही IMEI इसके अंदर पेस्ट कर दिया और हमने ओके भी कर दिया है और इसके बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये ना समझे कि हमारा PC स्टक हो गया या हमारी प्रोसेस स्टक हो गई जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रही है, इसमें 2 से 5 मिनट या 7 मिनट का वक्त भी लग सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा IMEI राइट हो चुका है, और चलते हैं हमारे फ़ोन की ओर और देखते हैं कि उसमें IMEI शो कर रहा है या नहीं। सो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने IMEI भी सिक्योरिटी राइट की है, और वो IMEI यहाँ पर आ चुके हैं जो IMEI हमने इसके अंदर राइट किए हैं। और अब इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो है मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको MMC को चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके दोनों IMEI भी वर्किंग करेंगे, क्योंकि सिंगल IMEI पे ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको वो मेथड करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आपको इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले बोर्ड को जो है फोन में से आपको बाहर करना होगा। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने बोर्ड को जो है बाहर कर लिया है। इसके अंदर आपको जाना है यहाँ पर MMC और CPU सेक्शन में, और यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको LED में ज्यादा तो बताता हूँ, आपको ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक CPU के पास कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं Qualcomm का CPU नेवासी पेपर लगा हुआ है, और इसके पास जो कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ये है। इन दोनों कंपोनेंट को आपको रिमूव करना है अगर आपको डुअल सिक्योरिटी फोन के अंदर चाहिए तो। और इनको निकालने के लिए आपको उखाड़ना नहीं है, आपको इनको SMD की मदद से रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप इनको उखाड़ेंगे तो ट्रैक भी डैमेज हो सकते हैं। सो फ्रेंड, बहुत प्यार से आपको इनको निकाल लेना है, स्मूथली काम करना है, जरा सी भी जल्दी आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि ये CPU का मामला है और ये रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं इसको प्यार से निकाल रहा हूँ, और इसको मैं आराम से निकाल लेता है, और ये दोनों कैपेसिटर आपको निकालने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, इनको आपको बहुत तरीके से निकाल देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने दोनों कंपोनेंट को, दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो चलते हैं मोबाइल की ओर, देखें आप मोबाइल को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बोर्ड को फिर से मोबाइल के अंदर असेंबल कर देते हैं, बॉडी के अंदर लगा देते हैं, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड को हम इसके अंदर सही से लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको हमें EDL मोड में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हम इसके अंदर लास्ट थर्ड स्टेप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसको सबसे पहले EDL में कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो आप EDL पॉइंट देख रहे होंगे इसको, क्योंकि ये तो सब चीज सब जानते हैं, जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो इस तरीके का काम करते हैं उनको पता है EDL पॉइंट कहाँ पर होते हैं Y2K। सो फ्रेंड्स, हमने इसको EDL मोड में कनेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम लास्ट थर्ड स्टेप करने वाले हैं, जिसमें आपको MIUI 12 को प्लेस करना होगा, जिससे कि हमारे फोन में डुअल सिक्योरिटी राइट हो जाएगी और हमारा फोन बिल्कुल वर्किंग मोड में आ जाएगा। सो गाइस, ये हमारी लास्ट और फाइनल स्टेप है, इसमें हमें स्टेप 3 वाली फाइल को यूज़ करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमने उसको स्पेसिफिक फोल्डर में रखा हुआ है, तो हम उसको यहाँ से निकाल लेते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने MI के फोल्डर में उसको रखा हुआ है ये, और ये जो फाइल है फ्रेंड्स, ये MIUI जो ओरिजिनल फाइल होती है वो नहीं है। अगर आप वो डालेंगे तो आपका फ़ोन जो है हैंग ऑन लोगो हो जाएगा, इसलिए आप जो डिस्क्रिप्शन में से ही डाउनलोड करके फ़ाइल उसी को राइट करें, दूसरी फाइल ना राइट करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया है, और हम फ्लैश पर अब क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, और हम थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम चलते हैं हमारे फ़ोन की ओर, फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं, पावर ऑन करके देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि
हमने जिस फ़ोन की एमएमसी चेंज की थी और उसके अंदर एमएमसी की फाइल डाली थी, वो फ़ोन हमारा जो है सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। और इसको हम ऑन हो जाने देते हैं, इसको आगे बढ़ जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर IMEI वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आ रही है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं MIUI 12। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है और आपको हम IMEI शो करवा देते हैं। जो IMEI हमने इसका रिपेयर किया था, इसमें IMEI आ रहा है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने MMC को चेंज किया था। आप देख सकते हैं कि IMEI भी इसके अंदर, दोनों IMEI इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे मोबाइल रिपेयरिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। गुड बाय, अस्सलामुअलैकुम।